दोस्तों आज हम पत्ते पढ़ेंगे। जी हाँ, कार्ड्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए कार्ड्स लेकर आया हूँ। एक एक चीज आपके सामने फेस टू फेस करके दिखाऊंगा और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि प्रोबेबिलिटी कार्ड वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों में उसको हवा कर देंगे बिल्कुल ऐसे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। यहाँ पर मैंने आपके सामने सारे ही कार्ड्स फैला दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये सारे 52 कार्ड्स हैं। अब मैंने इनको समेटा और यहाँ पर मैंने देखा गौर से तो कुछ कार्ड्स तो ब्लैक कलर के हैं और कुछ कार्ड रेड कलर के हैं। इसका मतलब मैं कलर की बेस पर इनको दो अलग अलग जगह पर कैटेगराइज कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक वाले जितने भी कार्ड्स हैं ये आ गए एक तरफ और जितने भी रेड वाले कार्ड्स थे ये आ गए आपके दूसरी तरफ। अब अगर हम इनके संख्याओं की बात करेंगे कि इनकी कितनी संख्या है, तो हमने 52 कार्ड को दो जगह बांटा है अलग अलग, तो इसका मतलब ये है कि 26 कार्ड हमारे पास ब्लैक वाले होंगे और 26 ही हमारे पास रेड वाले होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने देखा कि ब्लैक कार्ड्स के अंदर भी ना दो अलग अलग शेप हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब मैं अलग अलग शेप को भी अलग अलग कर सकता हूं। यहां पर मैंने ब्लैक वाले की जो शेप्स थी अलग अलग उनको अलग अलग कर लिया। ऐसे ही मैंने यहां पर रेड में भी देखा, रेड में भी दो शेप निकल के आई, एक ऐसी है एक ऐसी, तो मैंने यहां पर इनको भी अलग अलग करके रख दिया है। तो यहां पर अब सारा कंक्लूजन क्या निकला कि 52 कार्ड्स को हमने दो जगह बांटा कलर की बेस पर, रेड और ब्लैक, और उनके अंदर भी हमने चार अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर लिया है। तो इक्वली डिवाइड हुए, तो इसका मतलब 13 कार्ड ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 यानी 13 ये होंगे। इस तरह से 13 × 52 सारे कार्ड्स बनेंगे। अब पहले हम जान लेते हैं कि इन शेप के क्या क्या नाम हैं, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली शेप आप देख रहे हैं ये होती है आपकी चिड़ी, इसको कहते हैं चिड़ी का पत्ता या फिर क्लब भी बोल देते हैं इंग्लिश में, कि इसको क्लब कार्ड बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। दूसरा आपका आगे इस टाइप की कुछ शेप है, यहाँ पर इस शेप को हम कहेंगे स्पेड या हुक्म का पत्ता। हिंदी में अगर कहेंगे, हिंदी में इसका नाम है हुक्म का पत्ता और इंग्लिश में इसको स्पेड कार्ड बोला जाता है। तीसरा शेप है आपका कुछ पान जैसी शक्ल है, ठीक है, दिल भी कह सकते हैं आप इसको, तो हिंदी में तो इसका नाम पानी है, पान का पत्ता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हार्ट कार्ड, मतलब दिल वाला कार्ड, तो इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में पान। और तीसरा है आपका ये, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डायमंड कार्ड या फिर इसको हम बोलेंगे ईंट का पत्ता, हिंदी में इसका नाम है ईंट का पत्ता और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड कार्ड। तो ये इनके नाम हैं। अब देखिए ये 13 भी किस तरीके से बने, अब हम वो जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये क्लब कार्ड उठाता हूँ, तो हर एक कार्ड में, अब देखिए 13 कार्ड है ना, तो एक शेप में एक तो आपका होगा किंग, एक होगी आपकी क्वीन यानी रानी, और एक होगा आपका जैक, और एक होगा आपका इक्का। इंग्लिश में इसको एस बोला जाता है, इसलिए ए सी ई इसकी स्पेलिंग होगी, इसलिए ए बना हुआ है एस इक्का। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो चार कार्ड तो ये होंगे, फिर हमारी काउंटिंग शुरू होगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से ये 13 के 13 कार्ड पूरे आपके सामने कुछ बनेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यही आपका चलेगा दूसरी शेप में भी, उसमें भी एक किंग होगा। अब इस किंग की बात करूँ, कौन सा किंग होगा, ये होगा स्पेड का किंग। तो एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक इक्का होगा, फिर यहाँ से हमारे पास 2, 3, 4, 5 वही हमारी सीरीज चलेगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि नंबर कितने हैं। देखिए 1 नंबर नहीं होता कार्ड में, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 10 तक होता है। इसका मतलब टोटल 2 to 10 कितने हो गए, 9 कार्ड्स हो गए हमारे काउंटिंग वाले, जो हमारे नंबर वाले कार्ड होंगे। अब मैं बाकी को भी खोल लेता हूँ, फिर आराम से इनको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने पूरे 52 के 52 कार्ड्स को फैलाकर रख दिए हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में यहाँ पर। अब बात करते हैं सारे कंक्लूजन के, सारा निचोड़ हमारे सामने ही निकल आएगा जो भी है। अब अगर मैं बात करूं कि ब्लैक कलर के कितने किंग होंगे, तो यहाँ पर मैंने पाया कि ब्लैक कलर के 2 किंग हैं, ऐसे ही रेड कलर के भी 2 किंग होंगे। तो टोटल किंग की अगर बात की जाएगी कि 52 के 52 कार्ड में कितने किंग होंगे, कितने राजा होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि हर एक शेप का एक राजा होता है, एक सबकी रानी होती है, एक सबका जैक होता है और एक सबका एक एक इक्का होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे कि मान लीजिए आपका एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो कार्ड जो है वो ब्लैक कलर का हो या ब्लैक
कलर का राजा हो, तो ब्लैक कलर के राजा कितने हैं, ब्लैक कलर के दो राजा होते हैं, इसका मतलब दो ऊपर आ जाएगा और 52 में से निकाला है, 52 नीचे आ जाएगा, 2/52 मतलब 1/26 उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे कार्ड्स हमारे पास होते हैं। अब मेरे प्यारों, जो बात हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि ये वाले जो हमारे पास कार्ड है इधर, इन कार्ड्स के कुछ और नाम भी हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कि वो नाम दिए रहता है वो हमें पता नहीं होता और हम गलत करके आ रहे हैं या फिर हम सवाल छोड़ देते हैं, तो उनके नाम याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये नंबर वाले कार्ड जो है, मतलब 2 से लेकर 10 तक वाले जो कार्ड हैं, इन वाले कार्ड्स को कहा जाता है डिजिट्स कार्ड, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनको बोला जाता है डिजिट्स कार्ड। अब टोटल डिजिट्स कार्ड कितने होंगे, देखिए एक में होते हैं 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक हमारे पास शेप में 9 हो गए, 4 अलग अलग शेप में, तो 9 × 36 कार्ड जो है हमारे पास डिजिट्स वाले होंगे। अगर मैं बात करूं बाकी के कार्ड्स की, इनका क्या नाम होगा, इनको बोला जाता है दोस्तों ऑनर कार्ड्स, ठीक है, ऑनर कार्ड है, ये अपने आप में बड़े कार्ड्स कह सकते हैं आप। तो ये कितने होते हैं, हर एक शेप में 4 होते हैं, एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक गुलाम होगा और एक इक्का होगा, 4 एक शेप में हो गए, तो 4 × 3 हमारे पास 4 चौक, बल्कि क्योंकि 4 शेप है तो 4 × 16 जो ये वाले कार्ड है हमारे पास, ये हमारे ऑनर कार्ड हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर ऑनर कार्ड की पूछ ले या ब्लैक ऑनर की पूछ ले तो फिर ब्लैक वाले ऑनर आएंगे, मतलब 4 × 8। तो इस तरीके से अब कुछ भी सवाल बन जाए कि भाई राजा, लाल राजा कितने हैं, काले राजा कितने हैं, लाल क्वीन कितनी है, काली कितनी है, ऑनर कार्ड कितने हैं, इक्के का पूछ ले, काला इक्का हो तो काले इक्के 2 होते हैं हमारे, तो 2 के हम ऊपर रख के नीचे 52 से निकालेंगे, लाल इक्को की पूछ ले, सिर्फ इक्को की पूछ ले, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक कोई भी शेप की नंबर की पूछ ले। मैं कह रहा हूँ कुछ भी सवाल बन जाए, इससे बाहर तो नहीं बनेगा, सब कुछ आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है, इसका आप इसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, इसमें सही सवाल बनेगा और इस पिक्चर को देखते ही आप सिर्फ माइंड में आंसर बता देंगे भाई इतनी चीज़ ये है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये इसका पूरा निचोड़ था, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है उसको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, सिर्फ 1 मिनट में सारा रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक सीखा है कि टोटल 52 कार्ड में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं, मैंने कलर भी वही यूज़ किए हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। अब उस काले कार्ड में भी 13 आपके स्पेड के कार्ड होंगे और 13 आपके क्लब के कार्ड होंगे, और उस रेड 26 में से 13 आपके हार्ट के कार्ड होंगे, 13 आपके डायमंड यानी ईट के कार्ड होंगे। इस तरीके से ये डिवीजन हुआ है सारा। अब आगे की बात करते हैं, इनको हम सूट या सेट भी बोल देते हैं। अब हर एक सेट के अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक यानी गुलाम होगा और एक आपका इक्का होगा, और इन वाले कार्ड को ऑनर्स कार्ड बोलते हैं, सम्मान वाले, इज्जत वाले, बड़े कार्ड बोलते हैं भाई, किंग, क्वीन, राजा, रानी, गुलाम, इक्का, ये बड़े कार्ड होंगे। इनकी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करूंगा तो ये हमारे 4 होंगे हर एक सेट में, हर एक सेट का एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम और एक इक्का होता है, हमने देख रखा है अपनी आंखों से अभी अभी, तो इसका मतलब हर एक सेट में 4 हो गए और हमारे पास सेट टोटल कितने, सेट भी 4 है तो 4 × 16 कार्ड ये वाले होंगे हमारे, कौन से, ऑनर कार्ड जो होंगे हमारे। अब इन 16 में भी 8 काले होंगे, 8 लाल होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए काले की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें राजा रानी गुलाम इक्का होगा तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए तो 8 काले ही हो गए, ऐसे इसमें भी होगा तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 × 4, 8 लाल ये वाले हो जाएंगे। इस तरीके से ये 16 हमारे टोटल बनेंगे। अब इनके अलावा कौन से बचे, हमारे याले नंबर वाले बचे, तो 2 से 10 तक जो हमारे नंबर वाले कार्ड से उनको हम डिजिट कार्ड बोल देते हैं, ठीक है, संख्या वाले कार्ड। इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, हर एक सेट के अंदर 9 होते हैं और 4 हमारे पास सेट हैं तो 9 × 36 होते हैं, और उस 36 में भी 18 काले और 18 लाल होंगे, क्यों, क्योंकि 9 काले इसके, 9 काले इसके, 9 9 18 काले हो गए, 9 लाल इसके, 9 लाल इसके, 9 9 हमारे 18 लाल हो गए। इस तरीके से ये सारा जो है सब कुछ बना है। अब एक नई चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो किंग, क्वीन और जैक, राजा, रानी और गुलाम है, इन तीनों कार्ड को फेस कार्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे एक फेस, एक शक्ल बनी हुई होती है, आपने देखी है, तो इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो हर एक सेट के अंदर एक अपना राजा होता है, एक अपनी रानी होती है, एक अपने गुलाम होता है, तो हर एक सेट में 3 हो गए फेस कार्ड और टोटल सेट कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 3 × 12 हमारे पास टोटल फेस कार्ड बनेंगे 52 कार्ड के अंदर से, ये बात ध्यान रखना। और उन 12 में भी 6 काले होंगे, 6 लाल होंगे, तो 6 काले किस तरीके से होंगे, 3 × 3 × 6 हो गए, और 6 लाल किस तरह से होंगे, 3 × 3 × 6 लाल हो गए। अब मैं ये अलग अलग भी क्यों बता रहा हूँ, ये भी
जरूरी है। आपसे मान लो ये पूछ ले कि काले वाले फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ ले मान लो, तो फिर काले वाले में सिर्फ हम काले वाले लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की होती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं बिल्कुल साइड में हो चुका हूँ। ये सब आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में फुल नॉलेज थी। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा मैं, कुछ जगहों पर या कुछ लोग ऑनर कार्ड जो है ना वो 10 को भी ऑनर कार्ड मानते हैं कि जो नंबर 10 वाला कार्ड है ना ये भी ऑनर कार्ड में आएगा। तो उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग ना फिर ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, क्योंकि 5 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, मैंने बुक में देखा और अलग जगहों पे देखा, कहीं पर 10 को मान रहे थे, कहीं पर नहीं मान रहे थे, लेकिन बुक में नहीं माना गया। और ये लॉजिकल भी है, मैं भी नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि 10 तो एक नंबर है। अगर मैं एक नंबर को इज्जत वाला कार्ड बना दूं, मतलब सम्मान वाला कार्ड बना दूं, तो 10 तो यहां पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, बाकी भी तो नंबर्स हैं, उनके साथ ना इंसाफी क्यों? फिर तो उनको भी इधर लेके आओ, उनको भी ऑनर कार्ड बनाओ, उनको भी इज्जत दो बराबर, नंबर तो वो भी उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है। इस वजह से नंबर 10 जो है वो ऑनर कार्ड में नहीं रख रहा है, हम नंबर 10 को डिजिट में रखेंगे। भाई तुम डिजिट हो, संख्या हो, संख्या ही रहो, इज्जत लेने की कोशिश मत करो फालतू की। तो यहाँ पर इज्जत में जो आएंगे ऑनर में आएंगे हमारे राजा भाई, ऑनर इज्जत, ठीक है, रानी आएगी, उनका गुलाम आएगा और इक्का आएगा, यही हमारे ऑनर कार्ड होंगे, दैट्स इट। ये सारी इसके बारे में नॉलेज थी। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देखना आप कितने आसान हो चुके हैं क्वेश्चन, फटाक से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ले लिया है आपके लिए। देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, निम्नलिखित घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बताइए। कुछ कंडीशंस दे दी हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। यकीन मानो बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। अब ये देखिए आप खुद करेंगे। सवाल हमसे है, पहला कह रहा है कि ताश के दोनों पत्ते इक्का हों, मतलब 2 पत्ते जो निकाले गए हैं दोनों इक्के हों, तो कैसे निकाल सकते हैं? इससे थोड़ा सा पहले एक पत्ते की बात करते हैं। अगर एक पत्ता निकाला जाता तो बहुत आसान था ये सवाल। फिर हम क्या करते कि भाई 52 पत्तों में से हमें एक पत्ता निकालना है, और कौन सी कैटेगरी का निकालना है? इक्का हो। अब इक्के टोटल होते कितने? हमें पता है कि भाई 4 कैटेगरी होती है, हमने अभी देखी अपनी आंखों से, हर एक में एक एक इक्का होता है, मतलब टोटल 4 इक्के हो गए। तो 4 इक्का हमें निकालना है ना, तो 4 के 4 इक्के, मतलब 52 में से 4 चांसेस हैं कि इक्के निकल आए, क्योंकि 4 इक्के होते हैं इस वजह से। तो इसको हम काट देंगे, 4 * 4 = 13, तो ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। लेकिन यही अगर 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं तो इसमें हम फिर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। पहले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, देख सकते हैं आप बाद में। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और इसके बाद इसका एक और शॉर्ट मेथड बताऊंगा, इस पर कॉम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी बताऊंगा। अब देखिए कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले ये सीखा कि टोटल कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं। तो हमने ये पाया कि टोटल ना 52 में से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, मतलब 52 पत्तों में से हमें 2 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इसकी भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी नीचे 2 हो कॉम्बिनेशन के केस में आप क्या करना, आप इधर वाले नंबर का तो आधा लिखना। तो 52 का आधा मैंने यहाँ पर 26 लिख दिया, और फिर क्या करना, उसमें मल्टीप्लाई करना इस नंबर से एक पहले वाले नंबर की। 52 से एक पहले आता है 51। तो ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे कि इतने तरीकों से 2 पत्ते निकाले जा सकते हैं। अब हम निकाल कौन सा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्यारों 4 पत्तों में से 2 पत्ते, इक्के में से निकाल रहे हैं 2 पत्ते। इक्के होते कितने? 4 इक्के होते हैं, पता है हमें। निकालने कितने हैं? 2, मतलब 4 पत्तों में से हमें 2 पत्ते के कॉम्बिनेशन बनाने। कितने तरीकों से निकल सकता है? तो वही बात, इसका आधा लिखा और इसका एक कम, 4 का एक कम होता है 3, तो ये आ गया 6। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी कि हमें टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज में से जो टोटल आता है वो नीचे आ जाता है, इतनी पॉसिबिलिटी हमें निकाल ली है, ये हमारी ऊपर आ गई। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 3 × 2 = 6, 3 से ये जाएगा कितनी बार, 3 से ये जाएगा 17 बार, ठीक है। और कुछ कट सकता है? ये कट जाएगा यहाँ पर, 13 × 2 = 26 होता है, ऊपर तो हमारा बचा 1, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 * 7 = 91 का एक हासिल लगा, तो हासिल लगा 9, 13 * 1 = 13 और 9 = 22। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ चुकी है कॉम्बिनेशन के मेथड से, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी नहीं लगाना हो फिर कैसे करेंगे? देखो दूसरा तरीका भी है इसका एक और, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, देखिए सोचिए, यहाँ पर मैंने पहले पार्ट में एक बात और बताई थी आपको कि जब भी प्रोबेबिलिटी के सवालों में आपको और वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, और शब्द हिंदी में इंग्लिश में मिलेगा एंड, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले आप एक पत्ता निकाल लो। तो 52 में से मैं एक पत्ता निकाल रहा हूँ, और वो एक पत्ता कौन सा होना चाहिए? इक्के का ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्के के होने चाहिए। तो मैंने एक पत्ता इक्के का निकाला, इक्के होते कितने? 4 होते हैं, तो 52 में से 4 इक्के होते हैं, तो ये आ गए इसकी प्रोबेबिलिटी एक इक्का निकलने की। अब एक पत्ता हम निकाल चुके हैं, पत्ते कितने बचे होंगे? अब पत्ते बचे होंगे 51,
ठीक है। और इक्के कितने बचे होंगे, अब एक इक्का तो यहाँ पर निकल चुका है तो तीन ही इक्के बचे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर अब मैं तीन से इसकी और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों किया मैंने भाई, यहाँ पर एक बार मैंने निकाल लिया एक पत्ता, अब मैं दूसरी बार निकालने जा रहा हूँ तो एक और एक, तो दो पत्ते अभी तो निकलेंगे और की वजह से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी तो एक बार यहाँ से पत्ता निकल गया। अब जो पत्ते बचे और जितने इक्के बचे वो मैंने दूसरी बार में निकाल लिए उसमें से। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग करके भी निकाल लिया, जब भी वही बात पड़ी यहाँ पर इसको काट दूंगा मैं, ये तो नहीं कटेगा, तीन से 17 51 और ये यहाँ पर कटेगा वही 4 13 54 होते हैं, तो वही बात होगी हमारी, ऊपर कुछ भी नहीं बचा 1 आएगा और नीचे हमारी 17 और 13 की मल्टीप्लाई जो होगी वो 221 होगी। तो आप बिना कॉम्बिनेशन लगाए भी मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करके कर सकते हैं। ये हमने इसका पहला क्वेश्चन कर लिया है, आइए फटाक से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है कि ताश का ठीक एक पत्ता बेगम हो, मतलब जो हम दो कार्ड निकाल रहे ना उसमें से एक पत्ता एक कार्ड बेगम का होना चाहिए। अभी बेगम क्या है, चार कैटेगरी हमने पढ़ी थी और हर चार में एक एक क्वीन होती है, ये क्वीन ही बेगम है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी होंगी, 4 होंगी हर एक कैटेगरी की, हर एक टाइप की, एक शेप की। अब हमसे बात की जा रही है कि एक पत्ता होना चाहिए लेकिन हम निकाल तो दो रहे हैं तो दूसरे पत्ते का क्या। तो मेरे प्यारो, दूसरा पत्ता कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक क्वीन निकालो, बस ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले जानेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे। तो टोटल नंबर तो वही 52 में से दो पत्ते निकल रहे हैं, तो हमें तो पता है कि जब हम 52 पत्तों में से कॉम्बिनेशन बनाएंगे दो दो पत्तों का, हमने भी पिछले सवाल में बना लिया था, क्या आया था हमारा, इसका आधा और इससे एक का मल्टीप्लाई, मतलब ये हमारा आएगा नीचे का पार्ट। ठीक है, नीचे तो हमारा ये रहेगा तो इसको मैंने नीचे ही कर दिया येलो। ठीक, अब ऊपर क्या करेंगे, देखिए ऊपर हमें क्या कर रहा है, एक पत्ता तो बेगम का निकालना है, मतलब हम अब बेगम है कितनी, टोटल 4 बेगम होती है टोटल हर एक कैटेगरी की एक एक, तो हमें 4 बेगम में से 4 क्वीन में से कॉम्बिनेशन बनाना है एक क्वीन का, कि एक तो निकल के आ ही जाए भाई। ठीक है, एक तो निकल के आनी है। और फिर क्या करेंगे, अब दो पत्ते निकालने हैं, दूसरे पत्ते के बारे में क्या, दूसरे पत्ते के बारे में ये कि दूसरा कोई सा भी हो चलेगा, बस क्वीन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें दूसरी बार भी एक ही पत्ता निकालना है, कॉम्बिनेशन एक पत्ते का बनाना है, लेकिन कितने में से बनाएंगे, अब हम क्वीन को नहीं लेंगे, क्वीन के अलावा बाकी जितने भी पत्ते हैं उन सब में से निकालेंगे, क्योंकि वो क्वीन नहीं होना चाहिए, बेगम का सिर्फ एक ही पत्ता हो जो हम निकाल चुके हैं। तो यहां पर ऊपर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 52 पत्तों में से ना जो 4 रानियां होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, बेगम जो होती हैं उनको हटा देंगे, तो कितने पत्ते बचेंगे, 52 - 4 करेंगे तो 48 48 हमारे कार्ड्स बचेंगे, तो हम बाकी के 48 कार्ड में से वो एक कार्ड निकाल लेंगे, वो कोई सा भी निकलेगा, बेगम नहीं निकलेगा, लेकिन और यही हमें करना था, बेगम थोड़ी निकालना था, वो तो हमें एक ही बार निकालना था, बस इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक एक पत्ता हो। तो ये हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें, सर बहुत हार्ड है ये तो, है ना, अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, जब भी नीचे 1 हो कॉम्बिनेशन में तो ऊपर वाला ही अपना नंबर होता है, सिंपल एज इट, सिखा रखा सब आपको। तो ये 4 आ जाएगा, इसके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगी, ये 48 आ जाएगा और नीचे हमारा है यहाँ पर 26 × 51, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, आंसर आएंगे आपके। 4 से ही जाएगा, 4 × 4 और कुछ और कटेगा 4 से तो नहीं कटेगा, जो 2 से काट दो, 2 × 4 2 से ही जाएगा 13 बार, इसको काट देंगे हम, कितने से काट दें इसको, इसको हम काट दें 4 × 4 4 × 2 = 8 4 से, लेकिन फिर ये नहीं कटेगा, जो 3 से काट दो, 3 × 3 यहाँ पर ही जाएगा 18, तो 3 × 18 3 से ही जाएगा 17 बार, ऊपर हमारा क्या आ गया 16 × 32 आ गया और नीचे हमारी इसकी मल्टीप्लाई भी हमने भी करी थी पहले सवाल में 221 आई थी, तो ये हमारी आ जाएगी 32/221 इसकी प्रोबेबिलिटी के ठीक एक बेगम होनी चाहिए। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया लगेगी आपको, बहुत आसान लगेगी। फटाफट देखिए तीसरा भी देख लेते हैं यहीं पर, अब तीसरा पत्ता कह रहा हूं, तीसरा ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि ताश का कोई भी पत्ता ऑनर्स कार्ड नहीं हो। कहा था ना मैंने कि ये पूछा जाएगा सवाल एग्जाम में, ऐसे ही पूछ रहा था। अब बच्चों को जिनको नहीं पता ऑनर्स कार्ड होते कौन से, वो तो छोड़ के आएगा इसको, लेकिन आपको तो पता है, मैंने बता रखा है कि वो जो 4 कार्ड स्पेशल वाले अलग से होते कौन कौन से, उस बात जल्दी से गिनवाओ मुझे, बोलो साथ साथ मेरे, कौन से होते हैं, किंग, क्वीन, जोकर और इक्का। ठीक है, ये 4 हमारे एक कैटेगरी में हमारे ओनर्स कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 16 ओनर कार्ड होते हैं, सब बता रखा है आपको मैंने। तो ये देखिए अब क्या निकालना है, ताश का कोई भी पत्ता ओनर कार्ड नहीं हो, ये नहीं वाले ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, कैसे करोगे भाई, बहुत आसान है, निकालना तो हमें वही है ऑप्शन, ये कौन सा था, ये था हमारा सेकंड, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड ऑप्शन की। देखो निकालना तो हमें वही है, दो पत्ते निकालने 52 में से, तो नीचे तो हमारा यही आएगा, तो नीचे की तो आप टेंशन लो ही मत, नीचे तो हमारा यही आएगा, ऊपर क्या आएगा सर जी, ऊपर का बताओ। देखो ऑनर कार्ड नहीं होने चाहिए बस, अब ऑनर कितने होते हैं, ऑनर 16 होते हैं, तो उन 16 को हटा दो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एज देट ये करेंगे, इधर रफली वर्क रफ वर्क इधर कर लेते हैं, हम 52 में से वो 16 कार्ड माइनस कर देंगे, तो 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा,
तो ये हमारे कितने आ गए, हमारे ये 36 कार्ड जो है ये हमारे निकल के आ चुके हैं। अब इन 36 में से निकालना है, मेरे दो कार्ड निकालने, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एज दैट 36 कार्ड में से कॉम्बिनेशन बना लेंगे उन दो दो कार्ड्स का, बस हो जाएगा। और जब नीचे दो हो, बहुत बार पता है सर हमने बार बार सीख रखा है कि हम इसका आधा करेंगे और इसके एक कम से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारा 26 × 51 आ जाएगा। जो कट सकता है उसको आप कार्ड देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या कट सकता है, 3 से ये जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 से ये जाएगा 17 बार। और कुछ कटेगा यहाँ पर, और तो मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं कट रहा है शायद यहाँ पर, यहाँ ये काट सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा 2 × 3 = 6, 2 से कट जाएगा 13 बार बस। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 35 × 3 हमारे 105 होते हैं और नीचे हमारे 13 × 17 की मल्टीप्लाई बार बार आ रही है, तो हम 221 कर देंगे। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ चुकी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो चुकी है आपके लिए, अब ऐसे सिखाया है मैंने इस वीडियो में, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए इसका फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि ताश का कोई भी पत्ता डिजिट कार्ड नहीं हो, ये तो ऊपर की रेसा हो गया। अब डिजिट कार्ड नहीं हो तो कौन से कार्ड होंगे, वो ऑनर कार्ड होंगे, तो ऑनर कार्ड से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ भाई, देखो ऊपर मैंने समझा दिया था आपको, तो उसकी रेसा ये है। तो यहाँ आप करके होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट करके बताना कितना आंसर आएगा इसका, मैं सही कमेंट वालों को उसको लाइक करूंगा। अब अगला सवाल, ताश का एक पत्ता बादशाह हो और एक बेगम हो, दो पत्ते तो निकाल रहे हैं, एक बादशाह हो एक बेगम हो, अरे बहुत आसान है सर जी, अब तो आ चुका है हमें भाई, एक पत्ता निकालना है। बादशाह किंग होते कितने हैं भाई, हर कैटेगरी में एक एक राजा होता है, तो चार कैटेगरी चार राजा, तो चार राजाओं में से चार पत्तों में से हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एक पत्ते का। और हमें यह भी पता है कि जब भी नीचे कॉम्बिनेशन में एक हो तो यही वाला हमारा सॉल्यूशन होता है, ऊपर वाला नंबर ही। अब ये एक पत्ता निकल गया हमारा, ठीक है। दूसरा पत्ता हमें निकालना है बेगम का, बेगम कितनी होती है, क्वीन, क्वीन भी चार होती है चारों कैटेगरी में, मतलब एक एक कैटेगरी में एक, तो टोटल चार हो गई, तो एक निकालनी है, तो वही चार क्वीन में से एक निकलेगी, तो वही बात चार ही आएगा। टोटल की बात करेंगे तो वही रहेगा टोटल भाई, 50 कितने, 52 में से दो निकल रहे हैं, वही हर बार क्या आएगा नीचे हमारा, नीचे हमारा वही आएगा भाई, इसका आधा 26 और इसका एक कम 52 का एक कम 51, ये आ गया हमारा नीचे। ऊपर क्या आएगा, ये दोनों हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो ये आ जाएंगी मल्टीप्लाई में। सर मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि मेरे प्यारों यहां पर लिखा हुआ है और, क्या भाई एक पत्ता ये वाला हो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई, और एक बेगम का हो तो और के लिए मल्टीप्लाई, दूसरी ये बेगम की आ गई, तो यहां पर जो कट सकता है उसको काट देंगे। यहाँ पर ये कट जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और तो कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर, तो नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 2 = 8 हो गया, 13 × 13 = 3, हासिल लगा 1, 13 × 5 = 65 और 1 × 66 = 66, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कौन कहता है प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, अरे हमसे पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है। अब ये आपका एक होमवर्क है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कार्ड वाले का, शायद ही किसी ने आपको कभी ऐसे पढ़ाया कि कार्ड लाकर उसको पूरा फैला दिया हो, एक एक चीज़ आपको दिखाकर बताई हो, तो ये मेरी मेहनत है और यही हमारा तरीका है कि हम बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ाते हैं। और अगर आप ऐसे ही मजेदार और बिल्कुल इफेक्टिव लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी डियर सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर दे दें, यही मेरी फीस है कि आपको लाइक करना पड़ेगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहला पार्ट नहीं देखा वो भी देख लेना, इंग्लिश और मैथ बिल्कुल आपका डर खत्म कर दूंगा, इतनी बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, मैथ तो पढ़ाता ही हूं, इंग्लिश भी आपको मिलती रहती है। कुछ भी सवाल है या कोई भी आपका सजेशन है, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारा डियर सर ऑफिशियल के नाम से अकाउंट है, और वो अकाउंट जिसको फॉलो कर रहा है वहां पर आपको मेरी भी आईडी मिल जाएगी, तो मुझे भी फॉलो कर लेना वहां पर, ठीक है, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बना रहेगा। तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ, कॉन्सेप्ट इज पावर।